सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप मिश्रा एसएम क्लासेस पांडेपुर वाराणसी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में इतनी रचनाएं आती हैं कि जिनको याद करना बहुत कठिन है, तो इन समस्याओं को देखते हुए मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें कि हम लेखक या फिर कवि की रचनाओं के ट्रिक को जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में जानें। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहते हैं। तो बाकी तो जीवन परिचय आप लोग पढ़ेंगे, इससे हमें आगे हम चलते हैं, इनकी रचनाओं का ट्रिक जानते हैं। और इस ट्रिक को मैंने एक लव स्टोरी के माध्यम से बनाया है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो ट्रिक क्या है, नीरज नाम का एक लड़का है जो रश्मि को पसंद करता है। तो ट्रिक कैसे, नीरज ने रश्मि को निहार कर सांझ की दीपशिखा में 7 सुरों में यम्मा यम्मा गाया। तो नीरज रश्मि को पहले क्या करता है, निहारता है, देखता है, फिर उसको क्या करता है, शाम को कैंडल लाइट दीपशिखा मतलब लाइट कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है और उसके साथ क्या करता है, गाना गाता है। तो आइए समझते हैं रचनाओं को। नीरज, नीरज से नीरजा, रश्मि, रश्मि से रश्मि, निहार से निहार, सांझ, सांझ से जो रचना है वो है सांध गीत, दीपशिखा से जो रचना है वो है दीपशिखा, सात, सात का मतलब सप्त तो होता है संस्कृत में, तो इससे जो रचना है वो है सप्त पर्णा, ध्यान से समझिएगा, सात से क्या है, सप्त पर्णा। उसके बाद यम्मा यम्मा, तो यम्मा यहां पर सिर्फ यामा के लिए लिया गया है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। नीरज ने रश्मि को निहार कर सांझ की दीपशिखा में 7 सुरों में यम्मा यम्मा गाया। तो नीरज से जो रचना है नीरजा, रश्मि से जो रचना है रश्मि, निहार से जो रचना बन रहा है वो है निहार, सांझ से जो रचना बन रहा है वो है सांध गीत, दीपशिखा से जो रचना बन रहा है वो है दीपशिखा, सात से जो रचना बन रही है वो है सप्त प्राणा, और यम्मा से जो रचना बन रही है वो है यामा। इस वीडियो में इतना ही। तो ये थी हमारी लव स्टोरी वाली रचनाएं जो कि फनी थी और उसको याद करना आसान था। आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।